करण जौहर ने अनाउंस की अपनी नेक्स्ट मूवी एज अ डायरेक्टर। क्या बोनी कपूर ने रिवील की मिस्टर इंडिया 2 की डिटेल्स? कल की 2898 एडी की राइट्स बेची गई इतने महंगे दाम पे। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट विंध्या और ये रही आज की बॉलीवुड काउंटडाउन। करण जौहर ने अनाउंस की अपनी नेक्स्ट फिल्म। बीटाउन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर करण जौहर आज अपना 52nd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस दिन अपने फैंस को सरप्राइज करते हुए करण ने अनाउंस किया कि वो अपनी नेक्स्ट फिल्म पर काम कर रहे हैं। करण ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की जिसमें उन्होंने एक बाइंडर पकड़ा हुआ है और उस पर लिखा है अनटाइटल्ड नरेशन ड्राफ्ट डायरेक्टेड बाय करण जौहर। रिपोर्ट्स की माने तो करण ने स्क्रिप्टिंग कंप्लीट कर दी है और वो बहुत जल्द अपने इस फिल्म की कास्टिंग शुरू करेंगे। हालांकि इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कोई डिटेल्स नहीं रिवील हुई, लेकिन अपने शो कॉफी विद करण के लास्ट सीजन में करण ने कई बार जिक्र किया था कि वो अब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक एक्शन फिल्म बनाएंगे। कुछ दिनों पहले ये खबर भी आई थी कि करण ने अपने फिल्म के सिलसिले में शाहरुख खान को भी अप्रोच किया था। ऐसे में हमें देखना होगा कि करण के फिल्म की नेक्स्ट डिटेल्स कब रिलीज की जाती है। सूत्रों की माने तो ये फिल्म अभी काफी स्टार्टिंग स्टेजेस में ही है एंड करण शायद इस साल के अंत में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे और फिल्म 2025 में रिलीज की जाएगी। इस बॉलीवुड एक्टर ने याद किया आज अपने पापा को। संजय दत्त के पापा सुनील दत्त को गुजरे आज 19 साल पूरे हुए और आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर संजय ने मुन्ना भाई MBBS की सेट से कुछ पिक्चर शेयर किए। इस पोस्ट के कैप्शन में संजय ने लिखा, आपकी यादों और प्यार को मैं आज भी संभाल के रखता हूँ। आज और हर दिन आपकी खूब याद आती है पापा, आप हमेशा मेरी जिंदगी के गाइडिंग लाइट रहेंगे। दिल्ली में वोट देने निकल पड़े ये एक्टर। आज दिल्ली में लोकसभा इलेक्शंस है और इसी के चलते अपना वोट देने सिद्धार्थ मल्होत्रा निकल पड़े हैं। सिद्धार्थ आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए थे और जब पैप्स ने उनसे पूछा भाई वोट देने जा रहे हो, तो सिद्धार्थ ने हाँ कहकर विक्ट्री की साइन दिखाई। मिस्टर एंड मिसेस माही के ट्रेनिंग के लिए कितने दिन प्रेप किया जानवी कपूर ने? जानवी कपूर और राजकुमार राव फिलहाल गेयर अप कर रहे हैं अपने अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के लिए। जानवी इस फिल्म में एक क्रिकेटर का रोल निभाने वाली है और आज फिल्म के एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो शेयर करते हुए जानवी ने रिवील किया कि उन्होंने करीब 150 दिनों तक ट्रेनिंग ली फिल्म के लिए, 30 दिनों तक शूटिंग की, उन्हें 2 इंजरीज हुई और तब जाके ये फिल्म बनी। क्या रणवीर सिंह और प्रशांत वर्मा की राक्षस नहीं हुई शेल्फ? 2 दिनों पहले ही खबर आई थी कि रणवीर सिंह ने प्रशांत वर्मा की माइथोलॉजिकल थ्रिलर राक्षस से एग्जिट ले लिया है, लेकिन आज कई मीडिया पोर्टल्स पे रिलीज किया गया है कि रणवीर और प्रशांत के बीच कोई अनबन नहीं हुई है और राक्षस बनने वाली है। उन रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि रणवीर की एग्जिट की खबर एक रूमर है, हालांकि अभी इस पर मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। इस इंडियन एक्ट्रेस ने क्रिएट कर दी कांस फिल्म फेस्टिवल पे हिस्ट्री। अनसुईया सेन गुप्ता बन गई पहली इंडियन एक्ट्रेस जिन्होंने अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता कांस फिल्म फेस्टिवल पे। बल्गेरियन फिल्म मेकर कॉन्स्टेंटिन बोजानोव की फिल्म शेमलेस में अपने किरदार के लिए अनसुईया को ये अवार्ड मिला। कल की 2898 एडी ने ऑलरेडी कर ली है 50 करोड़ की कमाई। प्रभास और दीपिका स्टारर कल की 2898 एडी अगले महीने रिलीज होने वाली है और आज रिपोर्ट्स आई है कि मेकर्स ने फिल्म के नॉर्थ अमेरिकन सैटेलाइट राइट्स करीब 50 करोड़ पर बेचे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये इंडियन फिल्म्स को अब तक मिली कॉस्टलीस्ट अमाउंट्स में से एक है। फिल्म की हाइप और प्रभास की वर्ल्ड वाइड इमेज के चलते कल्कि के लिए लोग दुनिया भर में इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मच अवेटेड फिल्म से प्रभास के मॉडर्न वाहन की लुक रिसेंटली रिवील की गई थी, जिसकी पेटेंट अब महिंद्रा मोटर्स होल्ड करती है। इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक राइट्स भी पिछले हफ्ते सारेगामा को बेची गई। 600 करोड़ पर बनाई जाने वाली कल्कि 2898 एडी अब तक इंडिया की कॉस्टलीस्ट फिल्म है और मेकर्स ने करीब 200 करोड़ फिल्म की VFX पर ही खर्चे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ऑलरेडी एक OTT जायंट के साथ भी डील साइन कर चुके हैं और कल्कि 2898 एडी की OTT राइट्स पुष्पा 2 और जवान से भी ज्यादा दाम पर बेची जाने वाली है। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमारे माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस के साथ दिखाया जाने वाला है। प्रभास इस फिल्म में भगवान विष्णु के एक अवतार का रोल निभाएंगे, दीपिका एक वॉरियर का किरदार अदा करेगी, अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले करेंगे और कमल हासन इस फिल्म के विलन होंगे। कल्कि 2898 एडी वर्ल्ड वाइड 27 जून को रिलीज होने वाली है। परिणीति चोपड़ा ने पैप से रिक्वेस्ट की एक चीज। परिणीति चोपड़ा और उनके हस्बैंड राघव चड्ढा कल सिद्धिविनायक मंदिर आए थे और आज उनकी उस विजिट से एक वीडियो वायरल हो रही है। हम देख सकते हैं कि जब परिणीति और राघव मंदिर से बाहर आए तो पैप्स ने राघव को अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस के बारे में
पूछना शुरू कर दिया। इससे राघव थोड़े इरिटेट हो गए और परिणीति ने तुरंत पैप से रिक्वेस्ट किया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। पार्टी में ये पहनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई काजोल। बीटाउन एक्ट्रेस काजोल ने आज अपने स्टनिंग लुक की कुछ पिक्चर शेयर की इंस्टाग्राम पर और उन्होंने लिखा कि इस आउटफिट के साथ स्नीकर्स पहनकर उन्हें काफी अच्छा लगा। काजोल ने कैप्शन में कहा, फाइनली मैंने एक पार्टी में डिस्कम्फर्ट को डिच किया और स्नीकर्स पहने। आपको बता दें कि काजोल कल रात को करण जौहर के बर्थडे बैश पर गई थी और ये वही की लुक है। बॉलीवुड में इस हादसे की वजह से ऋचा चड्ढा का दिल टूट गया। हीरा मंडी एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था जहां उनकी तारीफ की गई और कहा गया कि ऋचा की परफॉर्मेंस को माधुरी जी के देवदास परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा रहा है। तो इस पर रिएक्ट करते हुए ऋचा ने कहा, हाँ शायद, क्योंकि असल में आपके हार्ट ब्रेक का पेन ऐसे सीन्स में काम आ जाता है। मेरा भी दिल बहुत बार टूटा है। इनिशियली जब मैं इस इंडस्ट्री में नई नई आई थी तो मुझे याद है कि एक फिल्म के लिए 4 बार ऑडिशंस देके सेलेक्ट होने के बाद मुझे एक स्टार किड ने रिप्लेस कर दिया। कई बार कोई स्टार किड या किसी की गर्लफ्रेंड आपको ऐन वक्त पे रिप्लेस कर देती है। क्या बोनी कपूर ने बात की मिस्टर इंडिया के सीक्वल के बारे में? आज बॉलीवुड क्लासिक मिस्टर इंडिया के रिलीज को 37 इयर्स पूरे हुए और इस खास दिन पर मिस्टर इंडिया की एक स्पेशल वीडियो शेयर की डायरेक्टर बोनी कपूर ने। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कैप्शन में भी लिखा कि वो इस मैजिक को दोबारा रिक्रिएट करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। बोनी जी ने एक प्रीवियस इंटरव्यू में भी बताया था कि वो मिस्टर इंडिया का सीक्वल बनाने वाले हैं और उसके स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और सही वक्त आने पर उसकी डिटेल्स रिवील करेंगे। बोनी जी ने बताया, मुझे हाल ही में एक फॉरेन स्टूडियो से ऑफर आया है और मैं उसे कंसिडर करने की सोच रहा हूँ। मिस्टर इंडिया 2 का काम फिलहाल काफी प्रीमैच्योर लेवल पे है, ऐसे में मुझे नहीं पता कि फिल्म आगे जाके क्या टर्न लेगी। फिलहाल हमने किसी भी एक्टर को फाइनलाइज नहीं किया है, एक बार स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद ही हम कास्टिंग स्टार्ट करेंगे। बोनी कपूर के अनाउंसमेंट के बाद ऑडियंस ये जानने के लिए क्यूरियस हो गई है कि श्रीदेवी के देहांत के चलते क्या अनिल कपूर मिस्टर इंडिया 2 में होंगे या फिर नए एक्टर्स के साथ ये फिल्म बनाई जाएगी। बोनी कपूर फिलहाल अपने नेक्स्ट फिल्म नो एंट्री के सीक्वल पर काम कर रहे हैं जिसकी शूटिंग इस साल शुरू की जाएगी। सूत्रों की माने तो नो एंट्री 2 के रैप अप के बाद ही बोनी जी मिस्टर इंडिया 2 की डिटेल शेयर करेंगे। अपने और बादशाह की डेटिंग रूमर्स पर रिएक्ट किया हानिया आमिर ने। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने रिसेंटली बीबीसी एशियन नेटवर्क को इंटरव्यू दिया था जिस दौरान उनसे अपने और बादशाह के रिश्ते के बारे में पूछा गया। इस पर रिएक्ट करते हुए हानिया पहले हंसी, फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया, मैं और बादशाह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मेरी मेन प्रॉब्लम यही है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, वरना ऐसे रूमर्स से मेरा नाम काफी दूर रहता। करण जौहर की बर्थडे बैश अटेंड की इन सारे सेलेब्स ने। कल रात को मुंबई में करण जौहर के लिए एक स्पेशल बर्थडे बैश रखी गई जिसे कई बीटाउन सेलेब्स जैसे काजोल, फारा खान और अनिल कपूर ने अटेंड किया। और अब उस पार्टी से नेहा धूपिया ने एक पिक्चर भी शेयर की जो वायरल हो रही है। पिक्चर में हम देख सकते हैं कि वरुण धवन, नताशा दलाल, नेहा धूपिया, अंगद बेड़ी, कुणाल खेमू और सोहा अली खान करण के साथ पोज कर रहे हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल पर साड़ी पहनी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने। प्रीति जिंटा फिलहाल कांस फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रही है और प्रीति के आज की लुक ने सबका दिल जीत लिया। प्रीति आज कारपेट पर आई थी पिंक साड़ी में जिसके चलते इनकी पिक्स पूरे सोशल मीडिया पे छा रही है। फैंस प्रीति के इस आउटफिट की खूब तारीफ कर रहे हैं कमेंट्स में। मनोज बाजपेयी ने रिवील की अपने पहले फिल्म की सैलरी। बीटाउन एक्टर मनोज बाजपेयी फिलहाल अपने 100th फिल्म भैया जी की प्रमोशंस कर रहे हैं और उन्होंने उसी के चलते आज मैशेबल को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में अपने पहले सैलरी की बात करते हुए मनोज जी ने बताया कि उन्होंने शिखर कपूर की बैंडिट क्वीन में अपना डेब्यू किया था और उस सपोर्टिंग रोल के लिए उन्हें 50,000 मिले थे। मनोज सर ने ये भी रिवील किया कि करीब 6 साल बाद उनकी सैलरी 1,50,000 पर पहुंची थी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।